यूट्यूब चैनल में आप भाइयों को खुश आमदेव कहता हूँ अगर आप भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाला नया अमल नई वीडियो भाइयों को मिलती रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी जो वीडियो है इस तरीके से हमारी हौसला अफजाई होती रहे आज का जो मैं अमल आपको देने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त अमल है इस अमल के ज़रिए जो है अपना कोई भी मुश्किल काम मुश्किल से मुश्किल काम हो बेश आसान से आसान काम हो ढाई मिनट में या ढाई घंटे में हो जाता है ये मरदजरात भी कर सकते हैं अमल को औरतें भी कर सकती हैं फर्ज करें आपने तलाक़ करवानी है दो दिलों में जुदाई करवानी है नफ़रत करवानी है मोहब्बत दुलवानी है यह कोई काम जो आपका नहीं हो रहा दुनिया जहान का कोई भी काम है आपको अमल समझ नहीं आ रही है कौन सा करें इस अमल को करें आप और एक दिन के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा ऐसा ये लाजवाब अमल है ढाई मिनट में हो सकता है ढाई घंटे में हो सकता है या बहुत ज़्यादा देर लगे तो ढाई दिन इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा करना कैसे इसको है इसको ढाई का मंत्र बोलते हैं ढाई का मंत्र आपने पढ़ना होता है करने का तरीका ये है कि ये अमल आप किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं ठीक है, है। ये आपने करना कैसे है अमल आपने ऐसे करना है कि आपने जिस दिन भी अमल करना है किसी भी दिन कर सकते हैं दिन के टाइम अमल होगा ये रात वाला अमल नहीं है दिन के वक्त आपने अमल करना है और आपने ढाई किलो जो है वो गोश्त लेना है पहले मुर्गी का गोश्त ले सकते हैं बकरे का ले सकते हैं किसी भी चीज़ का ले, ले लें गोश्त आपने लेना है हलाल जानवर का आपने ढाई किलो गोश्त लेना है गोश्त ले कर आपने कब्रस्तान में चले जाना है कब्रस्तान के किसी एक कोने में आपने गोश्त रख के और उस गोश्त से आप थोड़ा दूर जाके को एक दो एकड़ दूर जाके आप या उससे कम अगर कब्रस्तान छोटा है, है तो आप नज़दीक भी आप अपने मंत्र पढ़ना है एक और मंत्र जो है वो ये आपके सामने नीचे दिया जा रहा है ये आपने इस मंत्र को एक हज़ार आठ मरतबा पढ़ना है ये एक ही दिन का अमल है इस मंत्र को एक हज़ार आठ मरतबा आपने कब्रस्तान में पढ़ के आपने आ जाना है कब्रस्तान में जब आपने पढ़ना है तो आपके पास कोई ना हो कोई देख न रहा हो तब आपने ये अमल पढ़ना है एक हज़ार आठ मरतबा ये मंत्र पढ़ना है पढ़ने के बाद आपने अपना मकसद बयान करना है तलाक का काम है आपका जुदाई का काम है आपने वो मकसद बोल देना है कि फ़लाँ बिन फलाँ से जुदाई हो या फ़लाँ बिन फलाँ मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो या मेरी जान छोड़े या अगर आप किराएदार से आप तंग या किसी तरह का भी कोई भी काम है आपने ये अमल पढ़ना है मंत्र मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ चल हनुमान तेरे चलन दा वेला ही आर कर पार कर टोए उते चार कर इस तरीके से आपने इसको पढ़ना है पढ़ने के बाद आपने एक हज़ार आठ मरतबा पढ़ना है भारत जो है इसकी तादाद ज़्यादा यह काम नहीं होनी चाहिए वरना यह अमल काम नहीं करेगा पढ़ने के बाद अपना मकसद बयान करना है और मकसद बयान करने के बाद आपने वापस घर आ जाना है या तो आपका काम घर पहुँचने से पहले हो जाएगा ढाई मिनट के अंदर अंदर या जो है आपका काम ढाई घंटे में हो जाएगा यह आपकी रूहानी ताकत पे डिपेंड करता है अगर बहुत कम आपकी रूहानी ताकत हो तो भी ढाई दिन में ये काम हो जाता है और यह ढाई लाइन का ही ये मंत्र है तो बहुत ही लाजवाब अमल है इसको करने की इजाज़त लें इजाज़त के बाद आप अमल करें और अमल से पहले ढाई किलो गोश्त जो है वो कब्रस्तान में रखना लाजमी है फिर ये अमल काम करेगा और अगर आप अपना ऐसा कोई भी जायज़ नाजायज़ काम मुझसे करवाना चाहते हैं तो किसी मुझे से ना हुआ मुझसे आप गारंटी के साथ करवा सकते हैं या किसी भी जिन पर ही हमजाद का ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे ले सकते हैं मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज करके मुझसे आप रबा कर सकते हैं शुक्रिया